पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के द्वारा आज गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में एक दिवसीय महायज्ञ प्रांतीय अध्यक्ष रामलाल यादव के नेतृत्व में किया गया। यह महायज्ञ सरकार की शुद्ध बुद्धि के लिए किया गया। इस अवसर पर कर्मचारी नेताओं ने सरकार के विरोध में जमकर नारे लगाए और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अंतिम दम तक लड़ाई लड़ने की बात कही। उनका कहना है कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार होता है और रिटायर होने के बाद उनके बुढ़ापे का एक सहारा भी होता है। कर्मचारी अपना पूरा जीवन सरकार की और जनता की सेवा में व्यतीत करने के बाद उसे पेंशन से वर्जित कर दिया जाता है, जो हमें गवारा नहीं है और इसके लिए हम अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने 10 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले रैली के लिए जनपद के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को आमंत्रित किया कि वे अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर इस पुनीत कार्य में सहभागी बने। रामलाल यादव प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ, प्रांतीय अध्यक्ष मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट, संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मुक्ति उत्तर प्रदेश। आज आप लोगों ने महायज्ञ किया है, किस तरह का महायज्ञ था और क्या उद्देश्य है? लगातार आप लोगों ने 4 तारीख को देखा यहाँ जो मोटरसाइकिल जुलूस और पैदल जुलूस निकालकर जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया था गाजीपुर में कि पुरानी पेंशन बहाल करिए। उसी के तत्वाधान में जो जनपदों में मंडलों में जो रैलियां हो रही हैं और ज्ञापन दिया जा रहा है डीएम माननीय डीएम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को पुरानी पेंशन बहाल करिए। उसी के तत्वाधान में आज 62 जिलों में हर जनपदों में महायज्ञ हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कर्मचारी और शिक्षक अधिकारी की बुढ़ापे की लाठी है, उनका सम्मान है, जीने का पुरानी पेंशन अधिकार है, तमाम जो समस्या बुढ़ापे की है वह पुरानी पेंशन है। अगर पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी महायज्ञ के माध्यम से उनको अवगत, आपके भी माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी पुरानी और कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों की पुरानी पेंशन बहाल करें।